हेलो एवरीवन, आई होप अभी तक हमने जो मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चंस नहीं करते हैं किसी भी वीडियो के, वीडियो से रिलेटेड और एस जस्ट वीडियोस देखते हैं, तो कृपया आप वीडियो ना देखें क्योंकि टाइम वेस्ट होगा भाई। इसे बढ़िया मस्ती मारो, जहाँ भी तुम हो डेफिनेटली घर से तो बाहर ही होगे, तो खूब घूमो फिरो, दोस्तों के साथ मस्ती मारो। अगर एक बार सोचा है कि पढ़ाई करनी है, कुछ सक्सेसफुल बन जाना है, कुछ ना कुछ निकाल लेना है, गेट या ऐसी कुछ पार्ट कहीं तो सक्सेसफुल होना है एकेडमिक्स को लेके, तो ही आप वीडियोस देखिए। अगर आपका अल्टीमेट एम सिर्फ इतना है कि बस क्या पता मैं वीडियो देखूं और सिर्फ वीडियो देखने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई। प्रैक्टिस अगर आप साथ साथ कर सकते हैं तो वीडियोज़ देखिए, एल्स आप इंजॉय करिए लाइफ। आज हम देखेंगे पुली सिस्टम, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पुलीज डाल देते हैं और उसमें स्ट्रिंग लगा देता है इधर उधर आलतू फालतू की, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वही कंफ्यूजन दूर कर देंगे अगर आप 10-15 मिनट ध्यान से सुनेंगे, तो कोई भी ऐसा पुली सिस्टम नहीं होगा जिसमें आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। 2-3 बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो मैं बता दूंगा, उसके बाद पुली सिस्टम जिस भी क्वेश्चन के साथ आपका मर्ज कर दिया जाएगा आप वो क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि पुली का सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आएगा। बट हाँ, ये 11th-12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंबाइंड करके क्वेश्चंस के साथ यूज़ कर लेते हैं, तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि हम बाकी जो अदर क्वेश्चंस हैं उनमें अगर इनकेस पूछा जाए तो हम सॉल्व कर लें। थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सिंपल पुली सिस्टम है। अब एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। देखिए, हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फ्रिक्शन लेस पुलीज के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फ्रिक्शनलेस पुली पे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एक आध पर्टिकुलर छोटा सा सेक्शन हमारा आता है मशीन डिज़ाइन में, जहाँ हम ब्रेक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ थोड़ा सा अगर पुली टाइप का ब्रेक है या कुछ और टाइप का ब्रेक है वहाँ फ्रिक्शन हम यूज़ करते हैं। बट जनरली 99.99% केसेज में जब भी पुली के क्वेश्चन आते हैं पुली फ्रिक्शनलेस दी होती है। अब पुली फ्रिक्शनलेस दी हुई है, इसी पे बेस्ड हम सारे आज के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, एक ही तार, एक ही रस्सी, कुछ भी है आपका एक पुली के ऊपर से, या फिर ये घूम के दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी जितनी भी पुली के ऊपर से जाएगा, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन एक ही रहेगा। मतलब कि अगर ये सिचुएशन बैलेंस्ड है, इसका मतलब पी इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ जो टेंशन टी है वो ही टेंशन टी यहाँ है और वही टेंशन डब्ल्यू को बैलेंस कर रही है। जब तक स्ट्रिंग कंटिन्यूस है वहां तक आपका सिंपल सी बात है टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों को दिक्कत ये होती है कि इसमें कंपोनेंट लेने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा आपका इंक्लिनेशन पे पी हमने लगा दिया, पुल कर लिया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब तक स्ट्रिंग कंटिन्यूस है आपका टेंशन वही रहेगा, कंपोनेंट बैलेंस नहीं करेंगे बिल्कुल भी पुली के केसेस में आप, ठीक है। चाहे वो इस तरह से हो, चाहे कोई भी एंगल हो, कोई भी एक्स वाई जेड एंगल पे आपका पुल करे, बट जो टेंशन है वो सेम रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और याद रखने की जो है वो ये है कि इन केस इस टाइप में आपको दिया हुआ है, तो इस सेक्शन को अगर ऑब्जर्व करेंगे, इस सेक्शन को ऑब्जर्व करिए, इसमें पी डाउनवर्ड्स, इधर भी टेंशन है जो कि पी के बराबर है, ये भी डाउनवर्ड्स है, इसको बैलेंस किया हुआ सिंगल, इसको बार बोल लो, स्ट्रिंग बोल लो, जो भी है, अगर ये भी स्ट्रिंग है या बार है, तो इस पे जो टेंसाइल लोड आएगा वो इन दोनों का सम आएगा, क्योंकि हम वर्टिकल जो फोर्सेस है वो बैलेंस करेंगे, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे इस रीजन में। तो ये अपवर्ड फोर्स है, पुली को ऊपर पुल कर रहा है, और ये दो डाउनवर्ड फोर्स है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2P टेंशन आएगा। हाँ, यहाँ आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं, बट अगर ऐसे एंगल्स पे है, एंगल पे आपने पुल किया है, तो ये स्ट्रिंग नहीं लगेगा, फिर यहाँ कुछ रिजिड टाइप का आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, तब ये एक जगह फिक्स रह पाएगा, और इस तरह का है तब भी आपको रिजिड टाइप का सपोर्ट देना पड़ेगा, और रिजिड टाइप का सपोर्ट देंगे तो फिर उस पर जो रिएक्शंस आएंगे वो अलग अलग आएंगे। ये रिजिड सपोर्ट के रिएक्शंस हम
अगले लेसन में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम पुली सिस्टम पढ़ रहे हैं वो सारा हमारा इस टाइप के अरेंजमेंट बेस्ड होगा, जिसमें दो साइड में जो एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, इधर पी रहा, इधर टेंशन रहा, इधर टेंशन रहा, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो एग्जैक्टली डबल आएगा 2T के बराबर। ये बेसिक हमारा। अब देखते हैं अरेंजमेंट उनमें कन्फ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं। पहला टाइप का अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, देखिए मैंने 4-5 पुलीज ले लिए, बट आपका गेट और ESC है वो या तो 2 पुली लेगा या 3 लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। हाँ, आप बेसिक समझिए, उसके बाद 2-3 आप कर ही लेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने पुल किया P4 से हमने पुल किया। अगर यहाँ से हमने पुल किया तो ये स्ट्रिंग 4 है, ये वाली ये कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है ये कंटिन्यूस है। तो अभी हमने पढ़ा था जहां तक स्ट्रिंग कंटिन्यूस रहेगी वहां तक टेंशन सेम रहेगी, मतलब T4 इधर भी T4 है, इधर भी T4 है, तो T4 इज इक्वल टू P के बराबर है। अब देखिए इस सेक्शन में देखिए जो सर्कल किया हुआ है, 2 T4 ऊपर जा रहे हैं और T3 डाउनवर्ड्स है। देखिए एरो अपवर्ड दिखा रखा है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ होता है स्ट्रिंग में, क्योंकि इस पुली को ये टेंशन ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहा है और इस पुली को डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस पुली के केस को जब हम पढ़ेंगे तो डाउनवर्ड T3 है, T3 विल बैलेंस T4 एंड T4, T3 इज इक्वल टू T4 प्लस T4, और T4 क्या है P के बराबर, मतलब 2T4 और T4 क्या है P के बराबर, तो 2P अपना T3 आ गया। ऐसे ही जब हम इधर देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, T3 है अपवर्ड है, ये जो स्ट्रिंग है ये कंटिन्यूस है, तो इधर भी T3 हो जाएगा, तो T2 विल बी इक्वल टू T3 प्लस T3, T2 इक्वल टू T3 प्लस T3 ट्वाइस ऑफ T3, तो T3 क्या है 2P, तो ये क्या हो जाएगा 4P। सिमिलरली इधर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो T1 क्या आ जाएगा 8P के बराबर, T1 जब 8P के बराबर है तो ये वाली स्ट्रिंग है ये कंटिन्यूस है। अगर ये स्ट्रिंग आपकी कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली आपका जो W है वो T1 प्लस T1 होगा, T1 प्लस T1 ट्वाइस ऑफ T1 दैट विल बी इक्वल टू 16P। तो जो आपका लोड जो लिफ्ट हो जाएगा वो क्या आएगा 16P के बराबर, मतलब यहाँ से हमने अगर P फोर्स लगाया तो यहाँ वो कैपेबल रहेगा 16 टाइम्स P को लिफ्ट करने के लिए। कंडीशन एक है, सारी पुलिस फ्रिक्शनलेस है। अब देखिए कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर यहाँ से हमने स्ट्रिंग को एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड पुल किया तो वेट कितना लिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ आए, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको सब समझ आएगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, एक्स डिस्टेंस नीचे आया, इधर से डेफिनेटली ये स्ट्रिंग एक्स डिस्टेंस ऊपर पुल हुई होगी। अगर ये एक्स डिस्टेंस पुल ऊपर हुई है तो डेफिनेटली ये जो पुली है, ये गड़बड़ मत कर देना कि ये भी एक्स डिस्टेंस ऊपर पुल हुई है, क्योंकि ये स्ट्रिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब कि ये वाला जो पुली है ये एक्स बाई टू डिस्टेंस ऊपर पुल हुई होगी। अब ये जो स्ट्रिंग है ये एक्स बाई टू डिस्टेंस ऊपर पुल हुई है, तो मतलब ये पुली एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू इसका हाफ पुल होगी। सिमिलरली जब इसकी बात करेंगे, ये स्ट्रिंग आपकी एक्स बाई फोर पुल हुई है, तो ये जो पुली है ये एक्स बाई फोर डिवाइड बाई टू एक्स बाई एट डिस्टेंस पुल हुई होगी। अब ये स्ट्रिंग एक्स बाई एट पुल हुई है तो डब्ल्यू क्या एक्स बाई एट डिवाइड बाई टू एक्स बाई 16 टाइम्स अपवर्ड पुल हुई होगी। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भैया, आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं, जो कि हमने ये देखा था डब्ल्यू इज इक्वल टू 16P, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, और यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्टेंस आपका वर्क है और यहाँ भी फोर्स इनटू डिस्टेंस आपका वर्क है, तो दोनों बैलेंस कर देंगे। दिस फोर्स इनटू एक्स विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इनटू इसकी मूवमेंट। अब ये 16 टाइम्स है, डेफिनेटली इसकी मूवमेंट 16 टाइम्स कम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। इतना सारा अगर आप दिमाग नहीं चला पा रहे हैं तो सीधा आप एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, गिवन की कहीं भी एनर्जी लॉसेज नहीं है। यहाँ देख लीजिए सारे फ्रिक्शनलेस पुल है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं है। डेफिनेटली अगर ये एक्स डिस्टेंस पुल हुआ तो ये एक्स बाय 16 पुल होगा, क्योंकि वेट 16 टाइम्स ऑफ पी है। नेक्स्ट देखते हैं, हो सकता है आपका पुली अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिया हुआ,
ऊपर 3 4 5 6 जितनी भी पुली गिवन है कोई टेंशन नहीं है, और नीचे भी 2 3 4 5 कुछ पुलीज गिवन है। और वेट आपसे पूछे डब्लू कितना लिफ्ट कर सकते हो यहां से अगर आपने पी फोर्स लगाया है। तो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे इस सिस्टम में, पूरी स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है। ये देखिए यहां से आई, घूम के आई, इस वाले के पीछे से घूम के गई, इसके ऊपर से घूम के आई स्ट्रिंग, फिर यहां से घूम के फिर वापस चली गई है, और छोटू वाले पुली से घूम के इसको फिर से अटैच हो गई। जब ये पूरी स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है डेफिनेटली, अगर फ्रिक्शन नहीं तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम ही होगी, और पूरी स्ट्रिंग में अगर टेंशन सेम है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम है तो हर जगह पी टेंशन है। देखिए अब इसके नीचे का पार्ट ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर का आप भूल जाइए, कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करेंगे, इसके नीचे का पार्ट ऑब्जर्व करेंगे। नीचे के पार्ट में ये सॉलिड बार है, इस सॉलिड बार पे दोनों पुली अटैचड हैं, सारे स्ट्रिंग्स अटैचड हैं, और इसी पे वेट अटैच है। मतलब कि अगर इस बार का इक्विलिब्रियम हम देखें तो जो वेट डब्लू डाउनवर्ड पुल कर रहा है इसको, और जो सारे स्ट्रिंग मिलके इसको ऊपर पुल कर रही है, वो बैलेंस हो जाएगा। कितने स्ट्रिंग है सिंपल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, सिंपल है, बहुत सिंपल है। वेट इज इक्वल टू 5 पी हो जाएगा। ऐसे ही अगर नीचे एक और स्ट्रिंग, एक और पुली बढ़ा दी, तो ये पुली घूम के आएगी, इधर से घूम के आएगी और छोटी वाली पुली से आएगा, इधर आके फिर ऊपर अटैच हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ अटैच हो रहा है, आप यहाँ से सेक्शन कट करिए, ऊपर का भूल जाइए, इसके नीचे का पार्ट ऑब्जर्व करेंगे। सारी पूरी कंटिन्यूस स्ट्रिंग है इसलिए सब में टेंशन सेम रहेगी। इस बार का इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे तो वेट जो डब्लू है ये इन सारी स्ट्रिंग से बैलेंस हो रहा है। स्ट्रिंग काउंट कर लीजिए, 3 + 3 6, डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 पी। इसमें और भी गंदा अगर वो कुछ कुछ पूछना चाहे तो ये पूछ लेगा, अगर मैंने स्ट्रिंग यहाँ से एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड पुल करी तो वेट कितना लिफ्ट हो जाएगा। कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है, वर्क क्या होता है अपना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो पी इंटू एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड आया, पी इंटू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस रेज, यहाँ से डिस्टेंस रेज आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जहां जहां स्ट्रिंग कंटिन्यूस है वहां वहां टेंशन सेम रहेगा। चलिए देखते हैं अब एक और सिस्टम देखते हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपसे कभी पूछ ही नहीं सकते। अब गेट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जितना भी टफ बना ले वो इससे ज्यादा टफ बना नहीं पाएगा। चलिए एक चीज ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल परफेक्टली आपको समझ आएंगी चीजें। देखिए एक कॉमन आपका प्लैंक या रोड कह सकते हैं, मासलेस है, इस पे वेट डब्ल्यू आपने अटैच कर दिया। अब आपने क्या किया, इधर से एक स्ट्रिंग लिया, पुली के ऊपर से आया और वो दूसरी पुली को होल्ड कर रहा है, ये पुली का भी एक एंड इससे कनेक्टेड है और वो तीसरी पुली को होल्ड कर रहा है, इस पुली का भी एक एंड यहाँ से कनेक्टेड है और वो चौथी पुली को होल्ड कर रहा है, और चौथी पुली का भी एक एंड यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरा एंड से पी फोर्स हमने लगाया इसको पुल करने के लिए। अब समझते हैं कि क्या इसमें गड़बड़ कर रखी इन्होंने, कन्फ्यूजन जब कहाँ होती है लोगों को, क्योंकि स्ट्रिंग तो चार हो गई है, ये पहली स्ट्रिंग है, ये पहली स्ट्रिंग यहाँ से पुली वन से आई, दूसरी स्ट्रिंग पुली टू से आई है, तीसरी स्ट्रिंग पुली थ्री से आई है और चौथी स्ट्रिंग पुली फोर से आई है। सारी स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा। अब सब में टेंशन अलग अलग होगा डेफिनेटली, एक चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी नीचे से कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 + T2 + T3 + T4, सारी टेंशन को ऐड कर देंगे तो W आ जाएगा आपका। अब हमारा काम है टेंशन निकालना, टेंशन निकालना बहुत इजी है। हाँ टेंशन निकालना बहुत इजी है, सिंपल सी बात है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ P फोर्स लगाया हमने, पुलिंग फोर्स P लगाया, ये स्ट्रिंग कंटिन्यूस है, इसका मतलब इस पूरी स्ट्रिंग में पी फोर्स ही रहेगा। अब इस पूरी स्ट्रिंग में पी फोर्स रहेगा मतलब टी फोर इज इक्वल टू पी के बराबर है। इस सेक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस सेक्शन में टी थ्री जो है टी फोर को बैलेंस कर रहा है, मतलब टी थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी फोर, दैट विल इक्वल टू 2P2 2 × P। अब इस वाली स्ट्रिंग में टी थ्री टेंशन है तो टी टू टेंशन जो है वो ट्वाइस ऑफ टी थ्री हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी थ्री मतलब 4P हो जाएगा। और ऊपर चलेंगे इस वाली स्ट्रिंग में
टेंशन T2 है, यहाँ भी T2 है, यहाँ भी T2 है, T1 इसको बैलेंस कर रहा है, T1 बैलेंस कर रहा है मतलब T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 है, इज इक्वल टू 8P हो गया। सिंपल आप इन सबको ऐड कर देंगे, 8P प्लस 4P प्लस 2P प्लस 1P विल बी इक्वल टू 15P, लोड लिफ्टेड आपका 15P के बराबर आ जाएगा। अब वो आपको कैलकुलेशन पूछ सकता है कि ये कितना पुल होगा जब इसको हम एक्स डिस्टेंस या वाई डिस्टेंस डाउनवर्ड पुल करेंगे। एक तो आपका पास सिंपल सा तरीका है, अभी मैंने बताया था कि फोर्स इंटू डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस वेट इंटू इसका डिस्टेंस जो राइज होगा। तो एक तो चीज़ सिंपल समझ आती है, अगर यहाँ से हमने वाई डिस्टेंस डाउनवर्ड पुल किया है, वाई डिस्टेंस डाउनवर्ड पुल किया तो जो वेट है वो रेज हो जाएगा वाई बाई 15 टाइम्स, क्योंकि वेट 15 टाइम्स ऑफ पी है। एक तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जब हमने देखा था कि यहाँ सबसे पहले वाले केस में जब स्ट्रिंग को एक्स डिस्टेंस यहाँ से पुल किया था तो यहाँ से एक्स बाई टू डिस्टेंस वेरी हो रहा था। अब देखिए रिवर्स केस, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ से पुल करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस ऊपर गया तो हम निकाल लेंगे कि पी हमारे स्ट्रिंग कितना नीचे आया और उसको रिवर्स कर लेंगे। अगर डब्ल्यू हमारा एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, एक्स डिस्टेंस ऊपर गया मतलब हर एक स्ट्रिंग एक्स एक्स मीटर आपका स्लैक हो गई, ये स्ट्रिंग एक्स मीटर नीचे आई, अब यहाँ से एक्स मीटर नीचे आई मतलब ये स्ट्रिंग का स्लैक जो है 2x हो जाएगा, और 2x तो अगर सिर्फ ये स्ट्रिंग नीचे आई है तो होगा, बट ये भी ऊपर आए मतलब यहाँ से x हो रहा आपका स्लैक मिला, मतलब हर एक पुली का जो नेट जो एक्सेस जो स्ट्रिंग बचेगी, एक्सेस जो डाउनवर्ड हो जाएगा वो कितना जाएगा, एक तो x जो w ऊपर आया है वो प्लस जो ऊपर वाली स्ट्रिंग जो नीचे आई है उसका ट्वाइस, मतलब कि इस पुली की राइट साइड की बात करें, राइट साइड की स्ट्रिंग जो इस पुली की वो कितना नीचे जाएगी, x डिस्टेंस क्योंकि x तो यहाँ से ऊपर आया है प्लस 2x डिस्टेंस ये वाली स्ट्रिंग से इसको आया है ऊपर से, यहाँ से ये x डिस्टेंस नीचे आई है क्योंकि इधर से x ऊपर गई है, ये x नीचे आएगी तो इसका x डिस्टेंस नीचे आई मतलब यहाँ से मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो इस तरफ का x प्लस इस तरफ का x दोनों फ्री हो जाएगा तो वो दोनों इस तरफ से डाउनवर्ड जाएगा, तो मतलब पुली 2 की राइट साइड स्ट्रिंग 3x नीचे जाएगी। सिमिलरली पुली 3 की बात जब हम करेंगे तो x डिस्टेंस तो डेफिनेटली स्ट्रिंग इटसेल्फ ही फ्री हुई है क्योंकि वेट ऊपर गया प्लस ट्वाइस ऑफ इसके ऊपर वाली पुली जो स्ट्रिंग डाउनवर्ड आई है, 3x डाउनवर्ड आई थी 7x। सिमिलरली पुली 4 के लिए देखेंगे x तो ऐड होगा ही होगा प्लस ट्वाइस ऑफ ऊपर वाली पुली का स्ट्रिंग जो लूज हुआ है वो 7x, टोटल आपका 15x आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं आ रहा था वर्क एंड वर्क का जो फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला है उसे बैलेंस करके निकाल सकते हैं। ये सिंपल है टेंशन वाला, वर्क इज इक्वल टू 15 टाइम्स पी, तो यहाँ से अगर आप एक्स डिस्टेंस पुल करेंगे तो यहाँ से एक्स बाई 15 डिस्टेंस ऊपर जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस ऊपर गया तो यहाँ से 15 टाइम एक्स आपका स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, नीचे जाएगा मतलब। आई होप स्ट्रिंग के केसेस आपको समझ आया। देखिए ये हमने थोड़ा डिफिकल्ट केस उठाए थे, डिफिकल्ट केस सिर्फ इसलिए उठाएं कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, हर स्टेज बाय स्टेज हो क्या रहा है। गेट और ईएससी में मैक्सिमम या तो एक स्टेज देगा या फिर दो स्टेज देगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाएगा। स्ट्रिंग के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, आपको आपके क्वेश्चन वो कंबाइन किए जाएंगे, या तो फ्रिक्शन के साथ कंबाइन किए जाएंगे, किसी और क्वेश्चन के साथ कंबाइन किए जाएंगे, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कंबाइन किए जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो आपको बात बताई है वो आपकी इनडायरेक्टली अदर क्वेश्चंस में यूज़ होगी, उसको आप ध्यान से देखेंगे। कोई क्वेरी कोई डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो बता सकते हैं।